खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मृत्युंजय, मेरा सवाल आपसे यह था, जो खबर आ रही है कि धीरे धीरे विधायक अजीत पवार से छिटक कर शरद पवार के खेमे में जा रहे हैं, तो क्या उस कमी को पूरा करना चाह रही है अब निर्दलियों को जोड़कर बीजेपी? जी बिल्कुल अखिलेश, वही नजर आ रहा है। और देखिए, जो सत्ता में होता है वो चुंबक का काम करता है, और निर्दलीय विधायकों के लिए स्वतंत्रता होती है कि वो जो सरकार गठन कर रही हो पार्टी उसके साथ जा सकते हैं, ये स्वतंत्रता उनको होती है। और कहीं ना कहीं कल तक जब देख रहे थे कि उद्धव ठाकरे अगले सरकार बनाएंगे, और तो निर्दलीय विधायक उस पाले में थे, और आज सुबह जब तस्वीर बदली तो अब इस पाले में है, लेकिन शाम होते होते देखिए चाचा भतीजे पर भारी पड़ गए हैं। अब कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें तो होंगी, लेकिन जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने पहले नंबर स्टडी कर लिए थे, बीजेपी के पास अच्छे खासे नंबर की स्टडी थी, उसके बाद तय किया गया कि हम ये सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और शपथ विधि में शामिल होंगे, शपथ लेंगे। तो ये बीजेपी का दावा है, लेकिन हर पार्टी जो सरकार बनाती है वो इस प्रकार का दावा करती है। अब 30 तारीख पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। शरद पवार ने इस मीटिंग में साफ तौर पर कहा है एनसीपी को, कांग्रेस को और शिवसेना को कि हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने सभी विधायकों को एकजुट, एक जगह एकत्रित रखें और सेंध मारी होने से बचाएं। पहली प्राथमिकता यही है। दूसरी प्राथमिकता ये रखी है कि अब मुझ पर सब कुछ छोड़ दें। मैंने अपने जीवन काल में, अपने राजनीतिक करियर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, और आप लोग निश्चिंत रहें, पैनिक ना करें। तीसरी बात उन्होंने साफ तौर पर कही, चूंकि लोगों के मन में सवाल था कि ये पवार साहब के परिवार का मामला है, पवार साहब ने साफ साफ कहा कि मेरा परिवार और मेरे पार्टी दो अलग चीजें हैं, इसे आप मिक्स ना करें। यहाँ ना मैं करूंगा ना आप करेंगे, मैं यहाँ पर परिवारवाद नहीं करूंगा, यहाँ पर मेरी पार्टी प्रमुख है, यहाँ मैं पार्टी की बात करने आया। तो ये इससे संकेत मिलते हैं कि शरद पवार चाहते थे कि उनके विधायक सब यहाँ पर आए, और अभी तक सबकी साइन ली गई, जो लोग उपस्थित नहीं हो पाए, दूर हैं, उनका साइन ली।